पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 310 नंबर, जो कि कुछ एक स्कूल जो उचाना में है उसके स्कूल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट कंप्लेंट थी वहाँ की छात्राओं की। तो उस मुकदमे में ये मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें सेक्शंस लगे थे पॉक्सो के सेक्शन 8 और 10, आईपीसी का 201, 341, 342, 354A, 506। और इस मुकदमे में बाद में SC ST एक्ट भी जोड़ा गया था, क्योंकि जो इसमें एक विक्टिम थी वो SC कास्ट को बिलोंग करती थी इसलिए। और 4/11 को इसमें जो अक्यूज था वो अरेस्ट हो गया था, उसको 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको JC में भेज दिया गया था जुडिशियल कस्टडी में। इस केस के अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसके अंदर डिटेल्ड काउंसिलिंग की गई है सभी छात्राओं की स्कूल के, जिस ये काउंसिलिंग जो है सभी हायर अथॉरिटीज़ हायर पुलिस अथॉरिटीज़ ने, जिसमें माननीय ADG सर हिसार रेंज, SP जीन सर और SIT जो गठित हुई थी उसके मेंबर्स ने डिटेल्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन की है और काउंसिलिंग की गई है सभी विक्टिम्स की और जो जो भी अन्य छात्राएं भी थी स्कूल की उनकी भी। और इसके अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लोगों ने भी काउंसिलिंग की है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उनके लोगों ने भी इसमें काउंसिलिंग की है और एग्जामिनेशन किया है विक्टिम्स का। और जो काउंसिलिंग का प्रोसेस है वो अभी भी ऑनगोइंग है और जो इसमें विक्टिम्स थे उसका 164 CRPC के अंदर जो स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे होता है वो भी कराया गया और हर तथ्य को सामने लेते हुए इन्वेस्टिगेशन की गई है और आज इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चार्जशीट जो है माननीय कोर्ट में सबमिट कर दी गई है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मेन चार्ज क्या लगा है इसमें? मेन चार्ज जी पॉक्सो इसमें लगा हुआ है, 8 और 10 पॉक्सो। टोटल कितनी विक्टिम लड़कियां हैं इसमें और कितनी काउंसलिंग आप लोगों ने SIT में की है? इसके अंदर जितनी भी लड़कियां हैं स्कूल की सभी को इंडिविजुअली एग्जामिन किया गया है और जो भी विक्टिम सामने आए हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके चार्जशीट सबमिट की गई है। अभी भी अगर कोई विक्टिम सामने आएगी तो हम उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके अकॉर्डिंगली चार्जशीट सबमिट करेंगे। मैम लड़कियां हैं? मैम महिला आयोग ने बबीता नाम के गेस्ट टीचर की अरेस्ट के निर्देश दिए थे जी। जो भी तथ्य सामने आए हैं गेस्ट टीचर्स को लेके, अन्य टीचर्स को लेके, इनफैक्ट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं सभी को डिटेल्ड एग्जामिन किया गया है, सभी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चार्जशीट के जरिए वहां पे माननीय कोर्ट में सबमिट की गई है, उसी में सभी की स्टेटमेंट्स भी संलग्न की गई है जो भी टीचर्स हैं जिनको एग्जामिन किया गया। जैसे महिला आयोग बोलते हैं कि भाई गेस्ट टीचर बबीता को अरेस्ट करो, बट वो अरेस्ट नहीं, इट मींस कि वो मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो तथ्य सामने अभी तक आए हैं उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसके मुताबिक अभी तक अरेस्ट नहीं बनता था इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया है। अगर कोई तथ्य ऐसा सामने आएगा जिसके जरिए अरेस्ट किया जाना नेसेसरी होगा वो भी किया जाएगा। आपको लगता है कि जैसे आप लोगों ने टीचर्स की भी स्टेटमेंट ली है कि और भी टीचर डेफिनेटली अकेला प्रिंसिपल नहीं कर सकता, उसके सहयोगी भी रहे होंगे जी, तो उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है? अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिले इस केस के अंदर। जितने तथ्य सामने आए थे जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई है वो चार्जशीट में भी माननीय कोर्ट में सबमिट किया गया है। 164 में कितनी लड़कियां आई सामने? 164 में अभी हमने 6 लड़कियों के बयान रिकॉर्ड कराए हैं और उनका चार्जशीट सबमिट किया गया है। मैम सुसाइड का एंगल इसमें आ रहा था, इस एंगल से जांच की है? बिल्कुल, हर एंगल से सुसाइड का एंगल भी सामने आया था, कुछ रिपोर्ट्स आई थी आप लोगों के जरिए भी, बाकी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी कि ऐसा एंगल हो सकता है कि सुसाइड किया, उस एंगल को भी अच्छे से एग्जामिन किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, लेकिन अभी तक इसको प्रूव करने लायक कोई भी सबूत सामने नहीं आया। That has not been confirmed so far. जी, रेप के एलिगेशन भी मैं सामने आए थे, उस तरह के उस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन डिटेल की गई है, बट उस बारे में भी अभी तक कोई भी ऐसा ठोस तथ्य सामने नहीं आया। मैम इसमें एक रेस्टोरेंट का भी नाम आया था कि वहां पे जो बच्चे जाते थे उनकी वीडियो फोटो बन के प्रिंसिपल को जाते थे, क्या इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आया? अभी तक इस तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। प्रिंसिपल के मोबाइल की जांच हो चुकी है, पूरा रिकवर कर लिया गया है? मोबाइल फोन को रिकवर कर लिया गया है और आगे एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजा गया है, तो उस बारे में अभी कमेंट नहीं किया जा सकता। हैरेसमेंट कैसे होती थी लड़कियों की, किस तरीके से? अब ये चीज जो है वो डिटेल्ड चार्जशीट का पार्ट है, उसको डिटेल हम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो क्या रीजन है कि 6 लड़कियां सामने आई, क्योंकि 142 लड़कियों का नाम सामने आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की जो रिपोर्ट है, बट 6 ही सामने आई हैं? अभी भी डिटेल्ड काउंसिलिंग चल रही है, अगर कोई भी विक्टिम अभी भी सामने आएगा तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। तो काफी लड़कियों को ड्रॉप आउट हो चुका स्कूल से 1000 के करीब, तो उस एंगल से जो लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है उनको भी काउंसिलिंग? इस बारे में भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उन सभी जो ड्रॉप आउट किए थे या जो हमारे साथ सामने आई बात उनको भी एग्जामिन किया गया, उनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, उनके पेरेंट्स की रिकॉर्ड की गई है और वो भी चार्जशीट के साथ हमने दी है। माननीय फाइंडिंग्स ऐसी हैं कि मतलब कहीं
कोई इस तरह के जो आरोप लगे हैं वो कहीं पुख्ता हो रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये आरोप जो है वो प्रूव हो पाए। जैसे आज आप चार्जशीट फाइल कर रहे हो तो इट मीन्स के मान लो एसआईटी जो आपकी उसमें गठित की है वो एसआईटी की जांच पूरी हो गई है, इट विल कंटिन्यू, इट कैन स्टिल कंटिन्यू। अगर हमारे सामने कोई भी विक्टिम या कोई ऐसा फर्दर फैक्ट सामने आता है तो उस बेसिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में। मैम इसमें एक बड़ा सवाल शुरू से ही है, ये मामला 14 सितंबर को लाइट में आता बट एफआईआर इसमें 30 अक्टूबर को दर्ज हुई, लगभग 45 दिन के बाद, ये जो डिले है मैम किस पार्ट पे हुआ है और क्यों हुआ है? इस पे डिले ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुलिस के पार्ट पे कोई डिले है। एज सून एज जब कंप्लेंट रिसीव हुई पुलिस के पास तभी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और तभी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। महिलाएं कह रही थी 14 सितंबर को हमने जी पुलिस को शिक्षा विभाग को लिख दिया था कार्रवाई के लिए, लेकिन एफआईआर इसमें 30 सितंबर को दर्ज हुई। पुलिस के पास जैसे ही स्टेटमेंट्स विक्टिम्स की आई हैं उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज की गई है।